हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है BSF की तरफ से, ट्रेड्समैन कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, जिस भी कैंडिडेट का ये ड्रीम था कि डिफेंस के सेक्टर में ज्वाइन करना है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना सीट आया है, मेल फीमेल को कितना कितना सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ओवरऑल इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना आप। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि BSF में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें ओवरऑल अगर पोस्ट की बात करेंगे 2140 सीट्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए 1723, मतलब 1723 सीट मेल कैंडिडेट्स के लिए, एंड फीमेल्स के लिए 417 सीट रखा गया है। यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। 8 पोस्ट आपका रहने वाला है, कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, कॉबलर एंड टेलर के लिए आपको 8 जो है पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। अप्लाई करने का जो डेट है ना, लास्ट आपका रहेगा January 2024, और ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए अगर हम लोग बात करें कि फॉर्म की फी क्या रहने वाली है, जनरल OBC EWS से ₹100 लिया जाएगा, वहीं पर SC ST से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। रही बात की एज लिमिट क्या होने वाला है, मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स एज की लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को मिल जाएगा यहाँ पर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन बहुत ही आसान, बहुत सिंपल बोला जाए तो 10th पास आउट कैंडिडेट, साथ ही साथ जिन्होंने ITI कर रखा है रिलेटेड ट्रेड से, वो सब इलिजिबल रहने वाले हैं। आइए अगले स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज पे होता है क्या, रिटन एग्जाम। सेकेंड स्टेज पे फिजिकल। थर्ड में ट्रेड टेस्ट, मतलब रिलेटेड आपका जो रेलेवेंट ट्रेड होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा। एंड लास्टली मेडिकल होगा, फिर सिंपली DV के बाद आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर जो आपका रिटन एग्जाम होगा ना, उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो आपका जो पेपर होता है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स के लिए, विच मीन्स कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेंगे। टाइम विल बी 2 आवर्स, और निगेटिव मार्किंग कोई सा भी नहीं है, जैसा कि नॉर्मली डिफेंस के एग्जाम में होता है। अब रही बात कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, आपका पेपर ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड पे OMR सीट पे परीक्षा कराई जाएगी। चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। GK GS के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। आगे अगले स्टेज पे आपका फिजिकल क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्या आपका PST एंड PET होने वाला है। सबसे पहले PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट की मेजरमेंट होती है। मेल कैंडिडेट ST के लिए 160 सेंटीमीटर एंड अदर्स के लिए 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट में ST का है 148 सेंटीमीटर एंड अदर्स के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, 75-80 सेंटीमीटर मिनिमम यहाँ पर रिक्वायर्ड है। रनिंग होगी आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के अंदर, जिसमें आपको मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना होगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग को 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा।
तो फ्रेंड्स इसके बाद होगा आपका फिजिकल, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल एंड डीवी, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो आपको बीएसएफ के अंतर्गत जहां पे भी पोस्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्व करना पड़ सकता है। रही बात कि सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, तो आपकी सैलरी जो होती है ना स्टार्टिंग की 21,700 रुपीज से स्टार्टिंग होती है। लास्टली आपका आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस आफ्टर पर ईयर की इंक्रीमेंट 69,100 रुपीज पर मंथ की सैलरी होती है। सो आई होप कि ओवरऑल जो भी डिटेल मैंने बताया है बीएसएफ के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। कहीं पर भी कुछ क्वेरीज हो, कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।